हाय दोस्तों, ये मेरा फिलिप्स का बेल ड्राइव टर्न टेबल है। ये इसका मॉडल नंबर है, ये AFI 34। ये टोटली ऑटोमेटिक है। इसमें मोटर लगती है, मोटर है, और ये इसका सब कंट्रोलर है। ये इसका हैंडल है, इसमें यहाँ कार्ट्रिज लगता है उसका। ये उसका बेल्ट पड़ा हुआ है जो आज मैं लगाऊंगा। चलो बेल्ट लगाते हैं, उसमें देखते हैं कैसा दिखता है बेल्ट लगाने के बाद। ये उसके ऊपर का प्लेट है, ये इसमें बेल्ट लगता है। ये बीच में जो छोटा वाला दिखता है, ये इसके ऊपर बेल्ट लगता है। तो बेल्ट लगाएंगे उसके ऊपर। तो उसका बेल्ट भी नहीं मिलता था, मैंने चाइना से Banggood.com से मंगवाया। इंडिया में तो उसका बेल्ट नहीं मिलता है। अभी उसका ये बेल्ट यहाँ लग गया है, यहाँ उसका बेल्ट लगता है। बेल्ट लग गया है, यहाँ से ये वर्क करेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी इसका ये ऊपर का कवर लग गया है, अभी इसको चालू करने का कोशिश करेंगे। बहुत टाइम से चालू नहीं किया, देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो इस पर रिकॉर्ड लगा दिए, अभी उसके ऊपर रिकॉर्ड लगा दिया है, फाइनल रिकॉर्ड। अब देखते हैं, इसको ऐसे चालू करना पड़ता है, ये ऐसे करते हैं तो चालू हो जाता है, वापस रखते हैं तो बंद हो जाता है। देखो ऐसे करते हैं चालू हो जाता है, वापस रखते हैं बंद हो जाता है। तो ये उसको हमने चालू कर दिया है, ये पूरा फुली ऑटोमेटिक है। देखिए ऑटोमेटिक कैसे वर्क करता है उसमें, और ऑटोमेटिक रिकॉर्ड प्लेयर बंद हो जाएगा। रिकॉर्ड ख़त्म होने जाने पर ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है, टोटली बंद हो गया। ये खड़ा होकर तुम्हें रिकॉर्ड बंद करने के लिए जाना नहीं पड़ता। और उसमें ये रिजेक्ट सिस्टम है, अगर ये दबा दो अभी वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।